नाउ सी टू सी, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, लेकिन रिस्क भी इसमें रहता है। लेट अस अंडरस्टैंड सी टू सी क्या होता है। क्या तुमने ओएलएक्स के बारे में सुना है? यस सर, ओएलएक्स क्या करता है? बंगला एक्चुअली बंगार से ज्यादा तुमको जो सेकेंड हैंड वस्तु बेचना है, सपोज तुम शिफ्ट कर रहे हैं नए घर में, फर्नीचर, गाड़ी टीवी, कुछ भी उसमें बेचा जा सकता है। तो तुम क्या करते हो, उसमें एक फोटो डालते हो। ओएलएक्स सेंट्रल वेबसाइट है, वो कमीशन लेता नहीं है। वो क्या करता है, तुम जब जाते हो अपने पेज में तो छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट से वो कमाता है। तुम उसमें अपना वस्तु का फोटो डालते हो और प्राइस डालते हो, और उसमें तुम एरिया भी डालते हो विद इन 40-50 किलोमीटर जो तुम लोग देखना चाहते हैं। तुम्हारा वॉशिंग मशीन है, कोई अमेरिकन आदमी तो देखेगा नहीं। बिल्कुल सो तुम रेडियस डालते हो 4, 5, 10, 50 किलोमीटर में। तो तुम जो प्राइसिंग डालते हो या तुम जस्ट फोटो डालते हो, सामने वाला वो देखकर इंक्वायरी का क्वेश्चन डालता है, ठीक है? तुम उसको जवाब देते हो, और ज्यादातर केस में वो तुमसे मोबाइल नंबर मांगेगा। तुम उसको मोबाइल नंबर देते हो और टाइम फिक्स करके उसको प्रोडक्ट देखने के लिए बुलाते हो। वो देखता है, प्रोडक्ट देखने के लिए आता है, दोनों का मंजूरी हो जाता है, तुमने बेच दिया, प्रोडक्ट कैश मिल गया, तो यहां पे ट्रांजेक्शन खत्म होता है। नाउ तो ये जो सी टू सी क्या है, ये वेबसाइट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर टू कंज्यूमर। उसमें आई थिंक नासिक प्रॉपर्टी डॉट कॉम या मैजिक ब्रिक्स शायद नाम है, जो इसके लिए है, रियल एस्टेट के लिए है। ये ज्यादातर सी टू सी रहता है। इसमें एक ऐप बनाने वाला रहता है और तुम अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो तुम्हारा मोबाइल का ओटीपी के थ्रू। और नासिक में ओएलएक्स बहुत अच्छा चलता है। एक और ब्रांड है लेकिन वो नॉर्थ इंडिया में चलता है, एस से कुछ है, मुझे नाम नहीं पता, नाम नहीं याद आ रहा है। सो महाराष्ट्र में ओएलएक्स काफी स्ट्रांग चलता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, सी टू सी दो कंज्यूमर के बीच के ट्रांजेक्शन है। मुझे बेचना है, उसको खरीदना है, सिर्फ एक ऐप है या वेबसाइट है, बट वो लोग कमीशन लेते नहीं है। वो लोग बीच में ऐड डालते रहेंगे। तुमने जो पेज ओपन किया, मैंने बोला था ना एफल इंडिया, तो ऐड आते रहता है और उनको अपना कमाई चालू रहता है। ब्रोकरेज से वो लोग कमाते नहीं है, वो लोग ब्रोकरेज लेते नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल है ट्रैक करना। मैंने मोबाइल नंबर दिया, कब घर पे आएगा, कब डील होगा, उनको थोड़ी पता चलना है। तो कमीशन लेंगे तो सामने वाला बताएगा मैंने खरीदा ही नहीं है, उनको थोड़ी पता चलना है। तो इसलिए कमीशन बेस्ड वेबसाइट नहीं होता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है सी टू सी, इसका मददगार फैसिलिटेटेड बाय थर्ड पार्टी ऐप, ठीक है? ओएलएक्स को बोल सकते हैं, फिर मैजिक ब्रिक्स बोल सकते हैं। मुझे भाड़े का घर चाहिए, उसको भाड़े का घर देना है, एजेंट आउट हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सक्सेसफुल होगा, शॉर्ट टर्म में लोग खुद पर्सनली जाना पसंद करते हैं, करेक्ट? फिर इंटरनेट, जैसे मैंने बताया था कि इंटरनेट एक बहुत बढ़िया जरिया हो गया है। कुछ लोग तो ओएलएक्स में पुराने कॉइन्स, 1960 1910 के जो कॉइन है, पुराने 10 पैसे, 25 पैसे, आज उसकी वैल्यू 5-5, 10-10 हजार रुपया है कलेक्शन में। और पच्चीस पुराना पुराना मैं बात कर रहा हूँ, 50 इयर्स बैक, ओएलएक्स में 5 हजार नहीं, 25 हजार तक रहता है। पुराने 1 रुपए के नोट कैन गो एज 10 लाख रुपीज, उसमें तो कुछ भी प्राइस लिखा रहता है। वो तुम कैसे बार्गेन करते हो? तो उसमें एक और है, ऑनलाइन ऑक्शन। ऑनलाइन ऑक्शन क्या होता है, कोई फेमस फिल्म स्टार ने साइन किया हुआ, अमिताभ बच्चन का
या तो विराट कोहली का साइन किया हुआ बैट है, वो ऑक्शन में कुछ टाइम ओपन रहता है, या कोई पुरानी पेंटिंग रहा टेबल से, ऑक्शन स्टार्ट्स एट 12 मिडनाइट एंड 7 डेज, 4-5-6 दिन तो रहता है ओपन, तो बढ़ते जाता है उसका बोली, सो ऑक्शन भी किया जा सकता है इसमें। तो वेबसाइट क्या करता है, अब तुमने फ्री अकाउंट ओपन कर दिया, उसने फ्री ओपन कर दिया, तो वेबसाइट क्या बोलता है, इफ यू पे 500 रुपीज या 1000 रुपीज यू विल बी फीचर्ड इन द टॉप 10 सर्च फीचर, समझ में आ रहा है, या हाईलाइटर। अमेज़न का जो ऐप में जाओगे तो कोई पर्टिकुलर वन प्लस या किसी का तुम देखो फ्रंट पेज में ऊपर रहता है, सैमसंग, ये सबका कीमत रहता है। तो ओएक्स वाले कैसे कमाते हैं, तुम्हारा अकाउंट ओपनिंग फ्री है बट तुमको अर्जेंसी बेचना है और तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचना चाहते हो, तो जो भी ओएलएक्स ओपन करेंगे सबसे पहले तुम्हारा दिखना चाहिए। तुम्हारा जो सिलेंडर लेने के लिए 100 लोग हैं, तुम 101st हो, तो तुम क्यू तो जम्प नहीं कर सकते, बट इफ तुम 1000-1500 देते हो तो तुम क्यू जम्प कर जाओगे सर्च इंजिन में। तो ऐसे वर्क करता है वो, तो ऐसे लोग कमाते हैं। और ये लोग कमाते हैं बाय एडवर्टाइजिंग, जो एडवर्टाइजमेंट कंटिन्यूस चालू रहता है, तो वेबसाइट का कमाई इसके थ्रू होता है, जिसको बेचना है बेचे, इसमें चोरी चकारी का भी चांस रहता है ओएलएक्स में। सो खरीदना हो तो बहुत संभाल के खरीदना चाहिए उसको। पहली बात तो मैंने आज तक जिंदगी में खरीदा नहीं है, एक हाथ दो प्रोडक्ट बेचा होगा पुराना 5-6 साल पहले, एक हाथ प्रोडक्ट, लेकिन खरीदना तो मैं तो पर्सनली कभी नहीं करूं, बट इफ यू वांट टू सेल बहुत फास्ट बिक जाता है। तुम दोस्त को बोलोगे ना, किसको बोलोगे बेचना है, बिल्डिंग वालों को बोलोगे, फ्रेंड्स को बोलोगे, और उनके भी तो जरूरतें होने चाहिए, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। ओएलएक्स में आज डाला फोटो कल तक बिक भी जाएगा, तुमने दाम अच्छा रखा, प्रोडक्ट अच्छा है। तो एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड मार्केट है, ईबे करके भी है, सुना होगा ईबे, फॉरेन में ईबे बहुत चलता है, इंडिया में स्लो है ईबे, शायद है कि नहीं पता नहीं, है तो होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ओएलएक्स काफी ज्यादा चलता है। पेमेंट अगेन, तुम फॉरेन में तो पेपैल है, सुना होगा तुमने, पेनेट, पेपैल सुना है, बट पेपैल 4% काट के बाकी का देता है हाथ में। तुमने किसी को ट्रक पे पेमेंट किया 100 रुपया, तुम तो 100 रुपया दोगे बट उसको 96 रुपीज मिलेगा, 4 रुपया काटेगा पेपैल। पेपैल इंडिया में भी है, लेकिन अगेन पेपैल का एडवांटेज यह है कि तुम ईमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल से ट्रांसफर कर सकते हो पैसे, तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर लिंक्ड होगा विद दैट ईमेल, तो सामने वाले को मैं सिर्फ ईमेल मांगूंगा, मुझे और कुछ डिटेल नहीं चाहिए। और पेपैल में आज पैसा आ गया सपोजली सवेरे 8:30 को, अब जैसे तुम्हारा बैंक में या अमेजन में तुम्हारा 500 रुपये मौजूद है, तुमने भर के रखा हुआ है तो वो रहता है, लेकिन पेपैल में अभी तुमको मिला ना, ज्यादा से ज्यादा रात को 12 बजे तक रहेगा, 12 बजे के बाद वो कंपलसरी तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। सो पेपैल में बैलेंस नॉर्मली हमेशा 0 रहता है, जो भी तुमको पैसा मिला वो ऑटोमेटिक तुम्हारे इसमें जाता है। पेपैल का फायदा कैसे होता है, अब तुमको सपोजेडली जूम में पे करना है या अलीबाबा को पे करना है, तुमको शक है कि तुम्हारा अभी तुम यूजर नेम पासवर्ड सब डालोगे तो वो सामने वाले को मिलने का चांस रहता है, उसमें रिस्क भी रहता है। सो फॉरेन के कुछ पेमेंट्स करने होंगे तो सेफ जरिया है, यदि तुमको लगता है रिस्क है, फॉरेन में अमेजन ये सब में प्रॉब्लम नहीं है, बट अनजान जगह है, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स खरीदने हैं फॉरेन के तुमको, तो तुम वाया पेपैल रूट करोगे ना, तो उनको डिटेल नहीं मिलना है, तुम्हारा चार्जेस एक्स्ट्रा जाएगा बट पेपैल फिर सेफ बन जाता है। सो ऐसा पेमेंट कर सकते हो। ड्रॉबैक्स, क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता उसमें, फ्रॉड के चांस बढ़ जाते हैं, डुप्लीकेट के चांस बढ़ जाते हैं, वारंटी गारंटी रहता नहीं है, पैसा लेके सेलर गायब हो सकता है, तो वो डील कैसे रहता है, तुमने पेमेंट दिया, प्रोडक्ट लिया, डील खत्म, जरा सा कुछ कम ज्यादा हुआ, डिले किया, उससे बोला मैं 2 घंटे में ला कर देता हूँ, वो भाग जाएगा, तो उसमें फ्रॉड। और ऐसे भी हुए हैं फॉरेन में कि घर देखने आए, घर पे किडनैप कर लिया, तो
फॉरेन में एक प्रॉब्लम ज्यादा है, इंडिया में क्राउड ही इतना है ना, तो प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली कम है। लेकिन पर्सनली मैं तो सेकेंड हैंड कभी खरीदता नहीं हूँ, लेकिन रिस्क रहता है इसमें, नकली या उसका रहता ही है। सो बेस्ट एग्जांपल तुम बोल सकते हो ओएलएक्स बोल देना, ईबे बोल देना, करेक्ट। सो इस प्रकार से ये 10 पॉइंट्स है, सबको समझ में आई है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना।